Hello guys. Hello everyone. All my beautiful students, a very warm good evening to all my lovely students. Hi guys. What's up guys? Just let me know if I'm audible to everyone. If I'm visible, then we shall start with the session. Hi, hi Vinita. Alright, I started seeing you guys. Hi Vinita, Aryan, Chaudhary ji, Rishi. हाय हाय गाइस माय एसएस मैं लेट नहीं हूं बच्चे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था इस वजह से क्लास थोड़ी सी थोड़ी सी पांच मिनट लेट हो गई वो हमने फिक्स कर दिया है इशू ठीक है बच्चा एक सेकंड रुकेंगे बस हम फिक्स कर कर आएंगे एक और इशू या सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ

बेटर लेट देन नेवर गाइज अफकोर्स चलेंगे फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे लाइक बढ़ाएंगे मैम लेट आने के बाद भी आप लोग नहीं आ रहे हो आई मीन हाउ बैड इज दैट तो फटाफ

क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाई हूँ एज यूजुअल ठीक है आज के क्लास में बहुत सारी चीजें हमें से ग्रास करनी है ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा ऐसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पर ठीक है जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आप लोगों का एज यूजल अपार्ट फ्रॉम एन सी आर टी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फटाफट से हमारे लाइक्स बढ़ के लाइक्स फोर्टी वन लाइक like करो शेयर करो ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट फिर फ़ड़ हम सेशन स्टार्ट कर देंगे ऑल राइट right, जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स हाय आई एम सेजल सक्सेना एक्सपर्ट फैकल्टी बायोलॉजी एट कैरियर पॉइंट कोटा एंड आई बी टेकिंग केयर ऑफ दिस जुलॉजी पार्ट ठीक है तो आज हम लेक्चर लेक्चर पे हैं। में हम खत्म कर देंगे एनिमल किंगडम पूरा का पूरा ठीक है एनिमल एनिमल किंगडम पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम मेंटी लेंगे इसका ठीक है, right, Vinayak, students, जो है यहां पे, ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को स्टार्ट right, तो करते विदाउट एनी फर्दर अडू लेट जिसव इन टू टूडे स्टार्टिंग विदेशन आई वॉन्ट यू ऑल टू डाउनलोड

लेते हैं क्विजेस लेते हैं ऑल सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ई कैर पॉइंट ऐप में जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फीड सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोर्सेज सेक्शन में आप अपने पसंद के कोर्सेज ले सकते हो इस टाइम पे जो बच्चे 21 या 22 के लिए अपेयर होने वाले हैं वो सारे बच्चे कोर्स सेक्शन से अपने पसंद के कोर्सेज या जिसमें वो हैं वो ले सकते हैं ठीक है

एसएस आर्मी काम पे नहीं लगी है एसएस आर्मी को नोटिफिकेशन नहीं आया था सेशन का हाउ कैम नो नो सी आज तो हम वेंसडे पे आज हमने चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे सिर्फ एव्स और एव्स और मैमल्स बचेंगे जो मैं मंडे को लूंगी और ट्यूसडे को मैं मेंटी क्विज लूंगी ठीक है और सेवन स्केल आई हैव नॉट सीन योर इंस्टा स्टेटस आई विल सी इट ठीक है बच्चे All right. चलेंगे स्टार्ट करेंगे फटाफट से फ्रेंड्स करो बच्चे ठीक है हम 300 लाइक्स पहुंचते हैं हर सेशन में वॉट यू डूइंग यू आर सो लेजी कितने लेजी हो आप लोग चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सुपर अमेजिंग सेशन ठीक है right. तो सबसे पहले हम समझेंगे सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने ये सावन लिया था कि हम वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते हैं दो डिवीजंस में ठीक है लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी सॉ दिस दैट वी डिवाइड वर्टिब्रेट्स इनटू टू डिवीजन व्हिच इज अग्नेथा एंड गनाथोस्टोमेटा अग्नेथा जो होता है वो विदाउट जॉ का होता है मतलब माउथ होता है विदाउट जॉ माउथ लैक्स जॉ समझ आ गया इसमें हमने साइक्लोस्टोम्स पढ़े थे लास्ट क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज कर ध्यान से सुन लेना तो में हम आ, हमने लार्वा पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमेंट सेक्शन में मुझे कौन बताएगा साइक्लोस्टोम का लार्वा सी एम्प्रेस का लार्वा एमो कोइट ठीक है एमो कोइट लार्वा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसका लार्वा जो था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था लार्वा वॉज एमो को समझ आ गया ठीक है एक बहुत फन फैक्ट बताती हूँ ध्यान से सुनना है बच्चे आई एम वेरी वेल हैदर थैंक यू सो मच वेरी गुड अमन कपूर तो एमोकोइड लार्वा जो है वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ये रिप्रेजेंट करता है ऑन्टोजेनी रिकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी ये शो करता है बहुत ब्यूटीफुली इसके कैरेक्टर्स जो हैं ये सिमिलर हैं थोड़े थोड़े एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा लैंसलेट याद आया क्या यूरो कोर्डेटा से फेलो पढ़ा था हमने सेफेलोकोर्डेटा में हमने क्या पढ़ा था एग्जांपल एम्फियोक्सिस और लैंसलेट ठीक है सो से इनके कैरेक्टर सिमिलर करते हैं सो ये क्या शो तो करता है ऑनटोजेनी रीकैपिटलेट स्पाइलोजेनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ठीक है उसके बाद गनाथोस्टोमेटा में माउथ बेयर करता है जॉस इसमें हम सुपर क्लास पढ़ते हैं पीसीस और टेट्रापोडा पीसीस के अब

डा में हम पढ़ेंगे आज ही एम्फेबिया रेप्टिलिया एव्स एंड मैमल्स ठीक है टेट्रापोडा मतलब चार पैर

क्या पढ़ते हैं हम फिशेस मतलब इनका जो एंडोस्केलेटिन होता है एंडोस्केलेटिन ये बना हुआ होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का

टेल और एंडोस्केलेटन कोंड्रिन प्रोटीन का बना है नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल ध्यान से सुनना है इनमें नेकेड गिल्स होते हैं क्या होते बेटा नेकेड गिल्स अब आप बोलोगे मैम नेकेड गिल्स क्या होता है ये गिल्स होते हैं विदाउट ओपरक्यूलम समझा नेकेड गिल्स मतलब क्या होते हैं गिल्स विदाउट ओपर क्यूलम अब ओपर

गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम होते हैं गिल्स के ऊपर ओपरक्यूलम नहीं होता देखो ये यहाँ पे गिल्स है कोई ओपार्क्यूलम नहीं है समझ आया ठीक है इनके ऊपर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, है, वेरी मैं आपको एक एनालिसिस दे दूंगी कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक का समझ आया तो ध्यान से सुनना है बच्चे यहां गिल्स के ऊपर प्लेकोइड सॉरी इनकी पूरी बॉडी के ऊपर माइन्यूट से प्लेकोइड स्केल्स होते हैं टीथ टीथ स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होते हैं प्लेकोइड स्केल्स के टीथ आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लेकोइड स्केल्स है. कितने शार्प टीथ दिख रहे हैं आपको ये मॉडिफिकेशन है देखो कितने शार्प। फाइंडिंग नीमो तो सबने देखी होगी ठीक है तो फाइंडिंग नीमो में वो कितना ज्यादा यू नो वो ये वाला शाफ्ट तो फाइंडिंग नीमो का है सबको पता है ठीक है ये टीथ जो है

क्या होता है बच्चे इनमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है समझ आ गया बिकॉज एयर ब्लैडर इज एबसेंट क्योंकि वो सिंक ना कर जाए इसलिए दे आर कॉन्स्टेंट स्विमर्स समझ आ गया ठीक है टू अवॉइड सिंकिंग ठीक है शाख नहीं रही वो अपनी टीथ दिखा रही है

All right, तो आगे बढ़ते हैं इसके दो है, मैंने. स्केल होते उपर, होते होते के के ऊपर. बहुत इनमें ठीक है इसके अलावा होता टीथ बहुत, -बहुत डेंजरस थी इसके, इसके होते एकदम नेचर है ना ठीक है न, तो एकदम बिल्कुल पूरी बॉडी उसके जो प्रे की है वो पूरी पूरी रेप्चर हो जाएगी इससे टीथ से समझ आ गया बिल्कुल अच्छा से समझ आ गया अच्छा अब ध्यान से सुनेंगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में समझा दू आपको कि जो फिशेस होती हैं फिशेस में बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है आप ब्यूटीफुली देख रहे होगे यहाँ पे स्ट्रीमलाइन मतलब इसे बोट शेप की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन क्यों बॉडी होती है टू कट जो वाटर करंट वाटर करंट को कट करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी कुछ ऐसी कॉमन फीचर समझा रही हूँ मैं तो वाटर करंट को कट करने के लिए इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू हेड ट्रंक एंड टेल किस में डिवाइडेड होती है बॉडी इनटू हेड ट्रंक एंड टेल समझ आ गया इनमें और एक ventricle होगा नीचे इसे बोलेंगे heart. Very, very important, guys. इसे क्या बोलेंगे हम venus heart, venus heart, two -chambered heart होता है है ठीक और ये क्या करेगा heart में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा गिल्स को और गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा और वहां से पूरे

स्ट्रीमलाइन बॉडी पे क्या होते हैं रियो रिसेप्टर्स रियो रिसेप्टर्स हमेशा पानी में वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे पानी में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे समझ आ गया ठीक है सो so वॉटर में वो क्या आइडेंटिफाई करेंगे वाइब्रेशन एंड आइडेंटिफाई वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिक करंट समझ आ रहे हैं बहुत इजीली समझ आ रहे हैं ठीक है सब इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी कुछ फिशेस में होते हैं जैसे कि टॉर्पीडो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे ठीक है कुछ किसी किसी के पास पॉइजन स्टिंग्स भी होते हैं ठीक है जो जहर निकालते हैं स्टिंग्स जैसे स्टिंगिंग सेल्स हमने हमने सीलिंग में पढ़े थे तो वो है ट्राइगोन अब ये जो फिशेस होती हैं ठीक है थीके? ये पॉइकिलोथम

कर पाएंगे समझ आया ठीक है सो so, इसे हम बोलेंगे पोइक्युलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स समझ आ रहा है बिल्कुल बहुत इजीली मैं अब ध्यान से सुनना है बच्चे बहुत इजी है तो बहुत सिंपल है आपने पूरा नॉन कॉर्डेट पढ़ लिया है ठीक है यहाँ पे सेक्सस सेपरेट होते हैं मेल में कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होते हैं पेल्विक फिन्स समझ आएगा वैसे फिशेस में तो पेल्विक और fins होते हैं देखो जैसे में unpaired nostrils होते 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 हैं 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 पे पे और पेयर्ड फिंस होते हैं ठीक है पेयर्ड फिंस होते हैं अभी समझाया कौन से पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स समझ आया बिल्कुल इजी और मेल में कॉप्यूलेटरी ऑर्गन आता है मेल का कॉप्यूलेटरी ऑर्गन क्या है मेल बेर्स पेल्विक फिन मतलब क्लास्पर्स होते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होते हैं समझ आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना इसमें एग्जांपल्स स्कॉलियोडॉन याद रखो प्रिस्टिस याद रखो स्कॉलियोडॉन डॉग फिश ईजी है याद रखना बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ट्राइगॉन ठीक है याद रख सकते हो Sting रे important है क्योंकि उसमें poison sting होता है समझ आ बिल्कुल इजी तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे ऑल राइट बेटा फिंस मतलब जो पेल्विक और पेक्टोरल फिंस उसको वाटर में तैरने में मदद करेंगे समझ आ गया uh, 20% परसेंट इन हिंदी बच्चा तो मैं तो पूरा हिंदी में समझा रही हूँ समझ आया ध्यान से सुनो तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा

अच्छे से समझ आ गए तो ये स्कॉलियोडॉन है डॉगफिश और ये प्रिस्टिस है सॉफिश ठीक है ये देखो ये क्या है ये डॉगफिश है देखो ये ऐसे स्नाउट होता है इसमें जैसे डॉग में होता है ना वैसे तो ये है डॉगफिश ठीक है स्कॉलियोडॉन और प्रिस्टिस के नोज़ में देखो कैसे सॉ जैसा दिख रहा है ठीक है

थैंक यू फटाफट से क्वेश्चन करेंगे ठीक है कार्टिलेज इन स्पीशीज अभी बताया इन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टीस कितना आसान है कितना आसान है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन अभी बताया प्लेकोइड स्केल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर सी इज करेक्ट अमन अनन्या मिराकल बॉय परफेक्ट परफेक्ट ठीक है विनीता गुड गुड गुड, गुड। प्लेकोइड स्केल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं अभी बताया कॉन्ट्रिक का नाम आते से ही क्या याद रखना है शाक याद रखना है इजी इजी ठीक है

रेगुलेट कर सकते चेंज कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट एनवायरमेंट के हिसाब से पर ये नहीं कर सकते इसलिए हम कोल बोलेंगे इन्हें समझ आया ठीक है ऑल वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। which one of the following is a cartilaginous fish? इसको आंसर करो फटाफट कौन सी cartilaginous fish है अभी बताया मैंने कौन सा फटाफट बताएंगे मुझे Silver fish, Lapisma, कितना इजी एस्टेरियास सारे एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया स्कॉलियोडॉन ये क्या है डॉग फिश अभी है ना उसका स्नाउट आपको ठीक है ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल भी होगा उसको ठीक है समझ आया डी इज द परफेक्ट मतलब फिश बी इज द परफेक्ट आंसर

स्केलेटिन होगा बोन्स का बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है बोन्स में ऊसिन समझ आया कौन सा प्रोटीन होता है ऊसिन प्रोटीन वेरी गुड अच्छा एस एस आर्मी आ जाती है मुझे पता क्यों नहीं चलता है हार्ट्स कहाँ है वेर आर द हार्ट गाइस वेर आर द हार्ट्स माय गॉड गाइस कोई पिंक हार्ट्स नहीं दिख रहे मुझे कुछ नहीं दिख रहा गाइज दिस इज लाइक आई एम रियली सैड ठीक <laughs> है चलो बों में कौन सा प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन होता है मैंने समझाया था फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्ट्रीमलाइन बॉडी बोट बोड़ जैसी बॉडी है वाटर करंट को कट करने के लिए समझ आया तो बॉडी किस में डिवाइड होती है हेड ट्रंक और टेल में बॉडी डिवाइडेड होती है देखो ध्यान से सुनना है हमने कोंड्रिक थीस में देखा वेंट्रल माउथ होता है नीचे की तरफ माउथ था शार्क में इसको क्या हो गया भाई हां Conduct में आप देखो फटाफट पे आपको माँथ दिखेगा माँथ क्या है नीचे की तरफ औस्ति बहुत बहुत important है समझना थीस में टर्मिनल होता है माउथ क्या होता है माउथ टर्मिनल सबसे एंड में सबसे फर्स्ट में या सबसे पहले टर्मिनल मतलब सबसे end में इनका माउथ होगा समझ आ गया

समझ आ गया ठीक है फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल होगा और ये एग लेइंग होगी समझ आ रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज मैं समझाऊंगी आपको इनमें ये क्या है ये क्या है डायग्राम क्या है ये क्या होता है दिस इज सी हॉर्स ये क्या है सी हॉर्स और ये हमेशा शो ये किसका मेंबर है बेटा थीस का ये शो करता है पेरेंटल केयर पेरेंटल केयर मतलब ये क्या करेगा ये जायगोट ले मतलब जो फर्टिलाइज्ड है फर्टिलाइज्ड

और को हम हमेशा एन एन में में लेते हैं। एन में क्यों लेंगे क्योंकि इनमें कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बन रही होती समझ आ गया इसलिए हम इन्हें एन एमटा में लेते हैं मैं आगे और समझाऊंगी अच्छे से समझ आ गया तो यहाँ पेरेंटल केयर शो करता है हॉर्स ठीक है फटाफट फड़ से आगे देखेंगे अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से आपको याद, रखने? तो याद रखना है ठीक है और मरीन कौन सी है ये आपको याद रखना आना चाहिए मरीन so होती है फ्लाइंग फिश होती है सी हॉर्स हिपो इसमें होता है ब्रूड पाउच अभी दिखाऊंगी डायग्राम ये क्या शो करता है ये रहता है ब्रूड पाउच ये शो करता है पेरेंटल केयर समझ आया ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रोहू अगेन फ्रेश वाटर है ठीक है से, मगर भी बोलते है, ये है कटला ये क्या है दिस इज कटला समझ आ गया एक्वेरियम बेटा स्पाइटिंग फिश इतना मत याद रखो कोई जरूरत नहीं है टेरोफाइलम की भी जरूरत नहीं है एंजल फिश की समझ आ गया ठीक है चलो तो ये देखो ये ऐसे शेयर करता है मेल और फीमेल ऐसे को शेयर कर लेंगे ठीक है समझ आया बेटा मींस जैसे आप पानी भर दो अगर किसी भी ट्यूब में ठीक है ट्यूब में पानी भर दो और तो आप क्या करोगे आप तैर जाओगे ना ऊपर डूबोगे नहीं ना बायसी अगेंस्ट पानी में डूबने से बचाता है बायसी समझ आ गया ठीक है और सो सी मेल कैसे रिलीज कर रहा है पूरे के पूरे फटाफट से सारे के सारे प्रोजेनीज कैसे मेल रिलीज कर रहा है ठीक हाँ, है सारी नेक्स्ट जेनरेशन हाउ मेल इज रिलीजिंग मतलब जायगोट एक्स मेल और फीमेल जायगोट एक्सचेंज करेंगे पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है मेल के ब्रूड पाउच में होगा और ऐसे वो रिलीज कर देगा सारे का सारा फर्टिलाइज होके जायगोट एक्सचेंज हो जाएगा मेल की बॉडी में जाएगा वहां पर डेवलप होगा एंड देन दे रिलीज डाउट ऑल राइट बिल्कुल ईजिली समझ आया आपको ठीक है, Thank you likes, हम हम रहे हैं हैं 150 150 का 150 likes I want. All right, next. फटा हो जाएगा आपको PDFs will be provided to you in the app. देखो, तो थीस को question आते है बच्चे, थीस को बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलास्मो ब्रांकी और थीस को हम टीलियोस्ट बोलते हैं, ये याद रखना होता है इससे इस क्वेश्चन आते हैं आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट थीस को इलास्मोब्रैंक ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट थीस एक्सक्लूसिवली मराइन होता है ऑस्ट्रिक थीस फ्रेश वाटर मैराइन दोनों हो सकता है आई एम गिविंग यू अ कंपैरेटिव एनालिसिस हियर ठीक है इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होता है उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है यहां पे प्लेकोइड स्केल होते हैं वहां साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स मेरे साथ बोलते जाना ठीक है ऑल राइट सोजिंग यूर है जन्माष्टमी गई थैंक यू सो मच फॉर विशिंग वो पढ़ाई के चक्कर में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं मैं भूल ही गई चलो ठीक है फटाफट फड़। 150 लाइक्स हमें करने थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच यहाँ रेस्पिरेशन के लिए फोर टू सेवन पेयर ऑफ गिल्स होते हैं यहाँ पे फोर पेयर ऑफ गिल्स होंगे रेस्पिर यहाँ पे गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम होते हैं कोई ओपरक्यूलम प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता है गिल कवर यहाँ पे गिल्स के ऊपर ओपरक्यूलम होते हैं गिल कवर होता है मेल में कॉप्यूलेटरी organ होता है अभी बताया था क्लास्पर्स ठीक है यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा बिल्कुल इजीली समझ आ गया ठीक है का एग्जांपल है एक और एग्जांपल हमें याद रखना है बेटा वो होता है डिपनोई याद रखना है डिप्नोई होती है लंग फिश समझ आया कान खोल के सुनना है बच्चे दिस इज प्रोटोप टेरिस प्रोटोपटेरिस बेटा ये जो होती है ये लिविंग फॉसिल है अगेन ये क्या है लिविंग फॉसिल ठीक है एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कनेक्टिंग लिंक है दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियन इसको ध्यान से सुनना है बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझना है ठीक है और वो वाला स्पीकिंग मराठी और गाइज आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज यू गाइज स्टॉप एंड लिसन ठीक है ध्यान से सुनना है बच्चा बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा एक-एक पॉइंट जो कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने दिया है बिल्कुल इजीली समझ आया डिपनोई बिल्कुल क्या है समझ आया लंगफिश है ठीक है ऑलराइट चलो हाय अमन वापस आ गया गया हुआ था कहीं पे चलो जी क्वेश्चन करो फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लैंगफिश करो फटाफट से लैंगफिश अभी समझाया मैंने बेटा एम्फीबियंस मैं अभी पढ़ाऊंगी हैदर फिशेस तो पढ़ो अभी बताया कौन सा होता है आंसर करें फटाफट से कमेंट सेक्शन में अभी बताया मैंने आंसर विल बी गाइस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर आहा अमन गलत गलत लंग फिश अभी समझाया प्रोटोप्टेरिस इसलिए क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करा 150 लाइक्स आई वांट गाइस ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश ट्रू फिश करना है इसमें जवाब दो ट्रू फिश थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है मैंने आपको यहाँ पे सिल्वर फिश बताया था मैंने क्या होती है Lepisma. ठीक है सीपिया इस फिश जेली फिश और रेलिया तो क्या हुआ हमेशा ये घुसा देते हैं वो लोग सिल्वर फिश ट्रू फिश में समझ आ गया गलत बिल्कुल सिरे से गलत जवाब दिए जा रहे हो सबके सब गलत 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 A is the correct answer, guys. गलत 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 बिल्कुल रॉन्ग ए है करेक्ट आंसर कैटफिश देखो ये बबल्स होते हैं उसके बिल्ली जैसे यहाँ पे सेंसरी बबल्स होते हैं समझ आ गया ठीक है इजी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है आप फटाफट हम एम्फिबियंस डिस्कस करेंगे बहुत आसान होते हैं बहुत बहुत आसान है ये ठीक है तो फटाफट से एम्फिबियन और रेप्टाइल भी आज ही डिस्कस करेंगे समझ आया ठीक है ऑलराइट अमन के एक्वेरियम में है ये फिश वेरी गुड फिर भी आंसर गलत दिया ये ऐसा क्यों ठीक है तो ध्यान से सुनो एम्फिबियंस एम्फी मतलब होता है टू एम्फी मतलब होता है टू और बायस मतलब होता है एनवायरमेंट एम्फी मतलब होता है टू और बायस होता है टू एनवायरमेंट तो दीज आर दो ऑर्गेनिजम बेटा अब ये ना पानी से बाहर आ गए ठीक है तो ये सक्सेसफुली तो लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल नहीं हो पाए हैं क्योंकि ये अभी भी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एम्फी मतलब दो होता है बायस मतलब एनवायरमेंट दे रिक्वायर टू एनवायरमेंट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मतलब ले करने तो ये पानी में ही जाएंगे अब आप पूछोगे मैम एग ले करने पानी में क्यों जाएंगे <coughs> क्योंकि इनके जो एग होते हैं ना उस उसपे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है कोई लेयर प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता जैसे हम बात करेंगे अभी रेप्टाइल्स में कि उनके एग के ऊपर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव शेल शेल होता है इनके एग में कुछ प्रोटेक्टिव शेल या कवर नहीं होता तो इनके एग क्या हो जाएंगे ड्राई हो जाएंगे लैंड पे डेसिकेट हो जाएंगे समझ आ गया right. तो इसीलिए ये वॉटर में जाते हैं अपने एग ले करने के लिए समझ आ गया ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी अगेन डिवाइडेड होती है और ट्रंक में अब रेस्पिरेशन इसमें बहुत बारी पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है रेस्पिरेशन ये तो गिल से भी कर देंगे रेस्पिरेशन गिल से भी हो जाएगा लंग से भी हो जाएगा स्किन से भी हो जाएगा स्किन इनकी ग्लैंडुलर रहती है बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे स्किन इनकी ग्लैंडुलर होती है बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन मॉइस्ट होती है ग्लैंडुलर होती है ठीक है तो स्किन से रेस्पायर करते तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूटानियस फटाफट पट से ये नाम तो याद हो ही जाएंगे क्यूटानियस रेस्पिरेशन और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बाको फेरेंजियल बाको फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ आ गया अब इसको ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है ये बाको फेरेंजियल रेस्पिरेशन ही हो रहा है बाहर आ जाते हैं ये वाला एरिया समझ आ गया दिस इज बकोफ आरेंजल रेस्पिरेशन ठीक है यहाँ पे टिम्पेनम होती है जो एयर को रिप्रेजेंट करेगी टिम्पेनिक मेम्रेन जैसी या कान जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको नहीं तो टिम्पेनम होती है जो एयर को रिप्रेजेंट करती है समझ आ गया सो एम्फीबियंस बेन एम्फी आर द एनिमल्स विच लिव इन टू एनवायरमेंट ठीक है इन्हें दो एनवायरमेंट की जरूरत होती है इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है समझ आ गया ठीक है अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हाट अभी हम आगे देखते हैं

ओपन हो जाएगा समझ आ गया तो अभी समझाए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी हो सकते हैं लंग्स भी हो सकते हैं स्किन भी हो सकती है हार्ट इसका थ्री चेम्बर्ड होता है थ्री चेम्बर्ड में दो ऑरिकल होंगे एक वेंट्रिकल होगा समझ आ गया थ्री चेम्बर हार्ट में दो ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल होगा समझ आ गया ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं ये ऑरिकल है दो और एक वेंट्रिकल ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं एट्रियो हार्ट ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं एट्री वेनिस हार्ट अगेन कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं मतलब पॉइलो थम्स होंगे ठीक है क्या होंगे पॉइलो बहुत ही गलत स्पेलिंग होगी ये होते हैं पॉइलो थम्स ठीक है इसी को हम बोलते हैं एक्टो

फटाफट से हम शेयर करो ठीक है इसका लार्वा क्या होता है कौन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा फटाफट से बहुत इजी है इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है लार्वा बनेगा टाटपोल एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे इसमें जो मैम अभी समझाएंगी आपको ये होते टेल्ड इसी पे सवाल आता है टेल्ड साला सालाडर जो है ये है टेल्ड एम्फी ये दोनों ये भी वही है एम्फीबियन समझ आया इसका लार्वा होता है वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से क्वेश्चन आएगा एक्सो लॉटिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इसका लार्वा एक्सो लॉटिल लार्वा शो करता है नियो टैनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोलॉटल लार्वा क्या शो करता है बच्चे ये शो करता है नियोटानी नियोटानी मतलब क्या होता है नियोटानी मतलब जब लार्वा ही सेक्सुअल मैच्योरिटी शो कर दे व्हेन लार्वा बिकम सेक्सुअली एक्टिव ठीक है सो नियोटानी मतलब जब लार्वा शो कर देगा सेक्सुअल मैच्योरिटी समझ

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको देखो मैं दो सेकेंड में आ रही हूं यास yeah. तो होता, होता है इसका स्किन जो होता है टोड का ड्राई और रफ स्किन होता है समझ आ गया ठीक है आ गए चलो फटाफट आगे चलते हैं सो so, इसका कैसे देख रहे हो आप कैसा ये राना है इसका स्किन कितना ग्लैंडुलर है कितना स्लाइमी स्किन है क्योंकि ये क्या करेगा क्यूटानियस रेस्पिरेशन करेगा समझ आ गया ठीक है ऑल राइट लिम्बलेस मतलब बेटा अभी समझाना फोर लिम हाइंड लिम कुछ नहीं होते ठीक है लिम्बलेस एम्फिबियन ठीक है ऑल राइट right. फटाफट से रेप्टाइल समझेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत इजी है तो ये पहली बात सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल होते हैं ठीक है समझ आ गया एक और चीज इसमें मैं समझा दू आपको पीसीस एंड एम्फीबिया ये क्या होते हैं बिलोंग टू एन एमनी ओट्स मतलब नो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती एग के अराउंड समझ आ गया ठीक है फटाफट से समझेंगे आप फटाफट से रेप्टिलिया समझेंगे बेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये पहली बात तो एमनियोट्स होते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एमनियोनिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होगी ठीक है ये सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल है क्यों सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल है क्योंकि एग्स के ऊपर इनके इनके एग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव इनके एग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का इनको बोलते हैं हम क्लीडोइक क्या बोलते हैं क्लीडोइक एग्स कोई दिक्कत समझने में क्लीडोइक एग्स मतलब क्लीडोइक एग्स मतलब इनके एग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर पहली बात तो एमनी को बिलोंग करते हैं ठीक है एमनी ओटा मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी समझ आ गया ठीक है इनका स्किन बहुत रफ होता है ड्राई होता है कॉर्निफाइड होता है ठीक है इनके स्किन पे बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होंगे स्केल्स को हम स्कूट्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट समझ आ गया ठीक है वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टिम्पेनम अगेन एयर को रिप्रेजेंट करेगा लिम्प जो होते हैं दो पेयर में प्रेजेंट होंगे क्लीडो अभी समझाए क्लीडो मतलब एक्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा उसी को बोलेंगे हम क्लीडो एग्स ऑलराइट right, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है ठीक है एग्स विद कैल्शियम कार्बोनेट कावा ठीक है प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे क्लीडोइक एग्स बोलेंगे ठीक है वेरी वेरी इजी अब ये देखो इसका स्किन कितना एक तो मेरे को डरा लाग लग ला रहे है से रुको हां तो इसका ओ गॉड आई जस्ट गॉट स्कैर्ड फॉर लाइक 1 सेकंड माय हार्ट ड्रॉपड टू वीट मतलब वो पिक्चर ओ गॉड आई एम नॉट इवन शोइंग ये पिक्चर इज स्टिल आई गॉट स्कैड देखो कितना ड्राई और रफ स्किन है उसका समझ आ गया स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है स्कूट्स बोलते हैं जिसको समझ आया ठीक है चलो आगे बोलते है? आगे बढ़ते हो गॉड दैट स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ मी मैं डर ही गए चलो तो इनमें थ्री चैंबरड हार्ट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट क्रोकेट ध्यान से सुनना है इनमें थ्री चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा अगेन ये कोल्ड ब्लडेड होते कोल हैं समझा चुकी है? हूं कोल्ड ब्लडेड होते समझ आया ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं अश्विन आ गया इसे आर्मी के साथ शेयर करो फटाफट आई आई वॉन्ट लाइक टू हंड्रेड और वॉचिंग में हंड्रेड हमारी पहुंच गई थी फिर नीचे आ गई तुम लोग क्या कर रहे हो क्रोकोडाइल जो है देखो इसमें हार्ट थ्री चेम्बर्ड होता है पर समझ आया ये, ये पॉइंकोथाम होंगे समझ आया ठीक है तुमने लिजार्ड में देखा होगा लिजार्ड अपनी स्किन छोड़ देती है कभी देखा स्नेक्स में भी देखा होगा अपनी स्किन को छोड़ देते हैं वो छोड़ते हैं अपनी स्किन को इन द फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट जैसे हमने मोल्टिंग और एक्डाइसिस पढ़ा था वो स्किन को छोड़ देते ठीक है कॉकरोच भी ये स्किन को छोड़ देते केचुली निकालते हैं ना सांप वैसे ये निकाल इन द फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट समझ आ और लिजार्ड जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिजार्ड शो करती है ऑटोटॉमी ऑटोटॉमी क्या होता है ध्यान से सुनो ऑटोटॉमी मतलब वो रीजनरेट कर लेती है ना अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट पूछ अगर निकल गई तो वापस वो रीग्रो कर लेगी ठीक तो मतलब है तो ऑटोटॉमी मतलब रीगेन्स लॉस्ट बॉडी पार्ट समझ आया ठीक है अब अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे थ्री चेंबर हार्ट में हमने अभी समझाया तो थ्री चेंबर हार्ट में इनका ब्लड मिक्स होता रहता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका ब्लड मिक्स कैसे होता रहता है इनमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और डोर्सल आर्टरी होती है यहाँ इन ये दोनों जहाँ क्रॉस होती है ना वहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है एक छेद प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं फोर ऑफ पेनेजी और इस पे बेटा बहुत बारी सवाल आ चुका है इसे हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्मो नरी एटा एंड डॉसिल एटा यहां पे प्रेजेंट होगा फोर आमेन ऑफ क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से क्या होता रहेगा मिक्सिंग ऑफ फोरामी मतलब मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बच्चे फटाफट से फटाफट से बताना की फिशेज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इक्लॉजी स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इक्लॉजी एंड स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हरपेटोलॉजी ठीक है ये या हमें याद रखना है फिशेज की स्टडी को हम इक्ोलॉजी बोलते हैं और है, रेप्टाइल्स की स्टडी को हम हरपेटोलॉजी बोलते हैं समझ आया है? बिल्कुल अच्छे से समझ आया ठीक है ध्यान से सुनेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल में चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ ठीक है ध्यान से सुनना है भी सोते, एग अभी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा लार्वा नहीं बनेगा इसमें ठीक है अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमें याद रखने हैं वो फटाफट से सुनो आ, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी क्लास बिल्कुल खत्म नहीं हुई है ठीक है तो यही रहना है बच्चे और एक ध्यान से सुनेंगे देखो चिलोन जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल यहां पे इन इनके पास होता है क्लोएका ठीक है तो ये क्लोएकल रेस्पिरेशन करते हैं समझ आया? इनके पास मैंने अभी बताया कि मतलब और एरिमेंट्री एक ही में खुलेगी ठीक है सो ये क्लोयकल रेस्पिरेशन करते हैं टर्टल्स ये important है समझना ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये तो के डायग्राम्स है सारे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बेटा हीलोडर्मा सारी जो होती है वो नॉन पॉइजनस होती है ध्यान से सुनेंगे बच्चे ये सारी जो होती है ये नॉन पॉइजनस होती है बट 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 हिलोडर्मा जो होती है उसका पॉइजन वो हाईली पॉइजनस होती है ठीक है उसका पॉइजनस इक्विवेलेंट होता है कोबरा के पॉइजन से समझ आ गया ठीक है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी बातें करा करते हो तुम लोग मतलब अगर मैं क्लास में होती ना तो बहुत मजा आता मैं तुम्हें कैसे कैसे डॉटती ना अपनी अपनी क्यों बातें करना आ रही है मैं पढ़ा रही हूं जब मैं आप लोग मैम प्यार करते हो आप लोग मुझे पता है थैंक यू सो मच आई रॉली लव यू गाइस बैक पर पढ़ना भी होता है बच्चे ठीक है तो मैम जब पढ़ा रही होती है तो मैम को डाउट्स पूछने होते हैं क्लास के बीच में ऐसे नहीं कि खुद की बातें करनी है

नहीं कैमेलियन कैमेलियन भी है वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मेरे को डर लग गया <laughs> हाँ जी आर्यन यू कैन आस्क योर डाउट आपका पूरा क्लास क्लियर हुआ है आपको ठीक है इफ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है यहाँ रेप्टाइल्स का एक एक फीचर आपको क्लियर हुआ है आज के क्लास में बिल्कुल अच्छे से मजा आया आज के क्लास में ठीक है ऑल राइट फटाफट से देन लाइक like करो सेशन को 168 हो गया, हमने 200 लाइक्स को टारगेट किया था गाइज इतना भी नहीं कर पाती हूँ मेरे लिएट सो right. so, अगर आपको सेशन पसंद आया तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज इफ द सेशन शेयर फ्रेंड्स गाइज दैट वॉज माई टाइम आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास बाय गाइज टेक केयर